जय हिंद मेरे साथियों। प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें आप लोगों ने 27 क्लास कंप्लीट कर लिया है, अब 28 और 29 दो क्लास और बच रहा है, तो इसके दो क्लास के बाद प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म, फिर डिस्काउंट बचेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि हमेशा की तरह दो मिनट आपको क्वेश्चन देखना होगा जो हम लिखेंगे, बस उसके बाद फिर देखना नहीं, मतलब उसके बाद क्वेश्चन बार बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ नंबर बदलेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन, दाल के दाम में बीस% की कमी हुई, यदि पहले का दाम 25 रुपया प्रति किलो था तो वर्तमान दाम बतावें। देखिए ऐसे तो हम थंबनेल में ही लिख देते हैं इसमें क्या को क्वेश्चन है, देखो हम थंबनेल में कभी इस तरह से कभी भी नहीं लिखते हैं कि देखो और एग्ज़ाम पास कर जाओ, बस 5 मिनट में और एग्ज़ाम पास कर जाओ, 5 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, जो है वो रियल चीज़ थंबनेल में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि ऐसा नहीं लगे कि हम आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो थंबनेल में लिखा हुआ है लेकिन वहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन है, यहाँ दो क्वेश्चन और आपको मिलेगा। फिलहाल अभी दाल के दाम में 20% की कमी आई, पहले तो 20% की कमी आई, इसका क्या मतलब होता है? 20% मतलब 1/5, इसका ये मतलब हो गया कि 5 था और 1 कम गया, अब दाल के दाम हो गया 4। यानी कि अगर पहले की बात करें तो पहले 5 रुपया था और अगर अब की बात करें तो अब 4 रुपये, ऐसा कुछ ऐसा है। लेकिन यदि पहले का दाम 25 रुपया, मतलब 5 रुपया नहीं, 5 के बजाय 25 है, यानी इससे कई गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, तो जो अब दाम देख रहे हैं 4 रुपया, वो भी 4 रुपया नहीं होगा, 5 गुना ज़्यादा होगा, यानी अब हो जाएगा दाम 20 रुपया। अब अगर दाल के दाम पूछें तो 20 रुपया, यानी कि वर्तमान समय में दाल का दाम कितना होगा, तो जवाब दीजिएगा कि 20 रुपया। खैर अभी तो और भी क्वेश्चन चलेगा, 2-3 क्वेश्चन है, तो सिर्फ एक होता, यहाँ से इस नंबर को मिटाते हैं, यहाँ से 20% और यहाँ से 25 रुपया, इसको चेंज करते हैं। और इस बार क्वेश्चन है कि दाल के दाम में 30% की कमी हुई, यदि पहले का दाम 45 रुपया प्रति किलो था तो वर्तमान में दाम बताना। देख लेते हैं, देखो 30% की कमी, तो 30% की कमी मतलब डाउन हुआ, तो 30% मतलब होता है 3/10, मतलब 30/100 काट के 3/10, इसका ये मतलब है कि पहले 10 रुपया दाम था और 3 रुपया अब कम गया, तो अब अगर दाम बात करें तो 7 रुपये, ये कहते हैं कि अब हो गया वर्तमान समय में, और ये वाला बात करें तो पहले था, लेकिन वहाँ तो लिख ले कि पहले का दाम कितना है 45 रुपये, मतलब हम जो देख रहे हैं 10, वो 10 नहीं है 45 है, इससे कई गुना ज़्यादा। जब नहीं समझ में आवे तो एक ही काम करो कि 45/10 कर दो, और फिर वही 45/10 अब के बारे में पूछे तो यहाँ गुना कर दो, हालांकि
नौ पचे 45 और दो पचे 10 तो हो जाएगा 9 सत्ते 63 बटा में 2, इतना रुपए प्रति किलो। काटना चाहो तो काटो, 2 से अगर काटोगे तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 0.5 मतलब 31.5% गलती से लिखा गया, इतना रुपए प्रति किलो। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, नेक्स्ट नंबर के दाल के दाम में 20-30 इस बार थोड़ा सा डाटा और चेंज करते हैं और इधर भी रेट बदलते हैं। इस बार क्वेश्चन में है कि दाल के दाम में 25% की कमी हुई। यदि दाल का पहले दाम 60 रुपया प्रति किलो था तो वर्तमान में दाम बता दें, वर्तमान दाम कितना होगा ये चेक करना। देखते हैं दाल के दाम में 25 रुपये की कमी हुई, ऐसा नहीं होगा 25% की कमी हुई, ये होना चाहिए। देखो 25% की कमी और 25% मतलब होता है 1/4, इसका मतलब है 4 रुपया था, 1 रुपया घट गया तो अब दाल के दाम हो गया 3, यानी अब 3 रुपया और ये पहले वाला 4 रुपये। समस्या वही है कि पहले 4 रुपया ने 60 रुपया यानी जो हम लिखे हैं इससे 15 गुना ज़्यादा, तो अब भी 3 ना होकर 15 गुना ज़्यादा यानी 45 रुपया आंसर होगा वर्तमान में। तो आज इस टाइप के क्वेश्चन 3 ही था, 3 ही क्वेश्चन से काम चलाइए। फिर अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।